यार आज के टाइम में मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि एफिलियट मार्केटिंग स्कैम तो नहीं है थोड़े टाइम में आके उसका फ्यूचर है या नहीं है स्कैम तो नहीं है या फिर कोलैप्स तो नहीं हो जाएगी और संदीप महेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है एफिलियट मार्केटिंग के बारे में ये स्कैम है आप ये सारी नॉलेज तो बुक से या यूट्यूब से भी ले सकते हो सो तो आज उसी चीज के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ एफिलियट मार्केटिंग क्या है फ्यूचर है या नहीं है आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे पहली चीज मैं आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि यार एफिलियेट मार्केटिंग है क्या एफिलियेट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सेल आउट करती है दैट इज कॉल्ड एफिलियेट मार्केटिंग एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट भी एफिलियट मार्केटिंग के प्रोसेस पे ही काम कर रहे हैं इसका मतलब तो एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट भी गलत हुए एफिलियट मार्केटिंग प्रोसेस है जहां पे कंपनी हमें कमीशन प्रोवाइड करती है दैट्स इट इसमें कोई फोर्स या कन्वेंस वाला काम है ही नहीं हम लोगों को फोर्स नहीं करते कन्वेंस नहीं करते वो नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ करता था नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलियेट मार्केटिंग आर टोटली डिफरेंट एक बहुत लोगों को अभी भी मिथ है कि एफिलियेट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों सेम है बट वो दोनों बहुत अलग है उस टॉपिक पे हम बाद में कभी आएंगे बट अभी जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है अब यहाँ पे जो हम एफिलियट मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पे हम लोग कुछ कोर्सेज को सेल आउट करते हैं कोर्सेज जैसे फेसबुक एड्स ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट डिजाइनिंग स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग पैथन जावा कम्युनिकेशन स्किल्स यूट्यूब डोमिनेशन इंस्टाग्राम मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेक्ट्रा एंड वही चीज कुछ पैकेजेस में डिवाइडेड है उनको अगर आप आगे सेल आउट करते हो तो आप एज अ एफिलियट मार्केटर काम कर सकते हो एंड अगर आप उन कोर्सेज को सेल नहीं करना चाहते तो स्किल्स डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो पहले तो मैं यार आपको एक बार अपने बारे में बताना चाहूंगी मैंने बी एस सी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है मतलब लाइक चार साल मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में निकाला उसके बाद मैंने एम बी ए किया दो साल मेरी एम बी एग्री बिजनेस में किया है मैंने मेरी बहुत ज्यादा बिल्कुल ही ऑफ द फील्ड रहा स्टिल आई ऑफ दिस मार्केटिंग में ढाई साल से कर रही हूँ यहाँ से मैंने लास्ट वन ईयर में ट्वेंटी वन लाख प्लस इनकम भी जनरेट किया है बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं तो क्या आपको लगता है ये स्कैम है नहीं ऑब्वियसली राइट सो संदीप जी ने अपनी वीडियो में बोला कि जो स्किल्स एफिलिएट मार्केटर्स को प्रोवाइड की जा रही है इतने सारे अमाउंट पे करके तो वो स्किल्स तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो वो स्किल्स तो आपको बुक्स से भी मिल जाएंगी तो यार किताबी ज्ञान तो हमें कॉलेज में ग्रेजुएशन मास्टर्स में हमारे स्कूल में कितना पढ़ाया गया क्या वो आज तक कभी काम आया दस या बीस परसेंट दाट सेट मैक्सिमम में हमारी किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा आप सभी को वो चीज पता है और यूट्यूब तो यार एफिलियट मार्केटिंग से पहले भी था तो आपने कितना सीखा यूट्यूब से और कितना कमाया मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ एंड एफिलियट मार्केटिंग एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐसी चीज है जिसमें लोगों को पता नहीं होता कि हम इस तरफ जाके भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं मैंने भी आपको अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया लाइक मेरी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में हुई है एंड एग्रीकल्चर और एफिलियट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं बात करूं तो दोनों ही बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ढाई साल पहले जब मैं एफिलियट मार्केटिंग मैंने अपनी स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे तक आऊंगी राइट नाउ

तो इंस्टाग्राम का यूज करके लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं एज एन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब से भी बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप सभी को पता कर यहाँ पे आप काफी अच्छी नॉलेज ले लेते हो बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप कर कर लेते हो नॉलेज इन द सेंस एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में ही अगर आप जान लेते हो कैसे सोशल मीडिया को ग्रो करना है क्योंकि वो भी बहुत अलग पार्ट है कैसे YouTube पे ग्रो करना है कैसे सामने वाले को बताना है अपना पॉइंट कैसे रखना है तो भी आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो उसी के बिहाफ पे आप अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी जब मैंने एफिलियट मार्केटिंग शुरू किया मुझे कैमरा फेयर था कैमरा फेयर कहाँ से खत्म हुआ हुआसली यार जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया जब मैं यूट्यूब पे आई मैं इंस्टाग्राम पे आई तब मेरा कैमरा फेयर भी खत्म हो गया चलो मान लिया यार आप एफिलियट मार्केटिंग या कोई भी चीज कोई भी स्किल्स आप यूट्यूब से सीख सकते हो बट क्या आपको लगता है कि अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में तो क्या आप भूल जाओगे Obviously, बात है अगर आप एक्सेल छोटे से छोटे एक्सेल की भी अगर मैं बात एक्सेल आपने करूल से सीख सीख लिया जीरो से एडवांस लेवल हर एक चीज ली लेकिन उसके बाद अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया साल दो साल इम्प्लीमेंट किया ही नहीं तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे एंड एक और बात कि एफिलियट मार्केटिंग दो साल पहले ढाई साल पहले ही आया है प्लेटफॉर्म जो भी चीजें आई हैं उससे पहले भी यूट्यूब अवेलेबल था उससे पहले भी किताबी ज्ञान अवेलेबल था आपने कितना सीखा आपने कितना कमाया बात रही अर्निंग की तो एफिलियट मार्केटिंग में आज के टाइम पे 20 लाख लोग काम कर रहे हैं एज एन एफिलियट मार्केटर और लाखों कमा भी रहे हैं एंड उसमें से मानती हूं नाइनटी परसेंट स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी जो टेन परसेंट है वो हाउसवाइफ है और जो लोग जॉब करते हैं बट तो सैलरी बहुत कम है वो लोग यहाँ पे ज्वाइंट है और बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम लेके आ रहे हैं बट एज अ स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब कर रहे हो जिस जिसमें आपकी सैलरी इतनी कम है जिससे घर चलाना आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आप क्या करोगे आप स्टूडेंट हो लेकिन आप अपनी स्टडीज के साथ साथ कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते जिससे आप पैसा कमा सको आप एक हाउस वाइफ हो एक हाउस वाइफ एज अ हाउस वाइफ आपके लिए पॉसिबल नहीं है अपने घर घर को छोड़ के जॉब करने जाना या अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जॉब करने जाना इसीलिए यू ऑप्टेड फॉर अ हाउस वाइफ हाउस वाइफ राइट आप जॉब कर रहे हो जॉब करने के साथ साथ आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें आपकी सैलरी बढ़ जाए सैलरी बढ़ सकती कोई ऐसा काम होता तो आप लाखों कमा रहे होते ऑलरेडी एंड सर ने बोला कि यार ये स्कैम है ठीक है ये आगे जाके कोलाप्स हो जाएगा या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं है एक बात बताओ आपकी या मेरी गारंटी है आज है कल नहीं है कोई एक चीज एक एंड पे आती है आई एग्रीड मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ बट क्या कोई ऐसी चीज जो दो ढाई साल तीन साल पहले शुरू हुई है क्या वो आने वाले एक साल के अंदर अंदर कोलैप्स हो जाएगी जैसा कि सर ने बोला एक पिरामिड स्कीम होती है एक पिरामिड स्कीम होती है जो स्टार्टिंग में फंस गए वो फंस गए उसके बाद लोग बढ़ते चले जाएंगे और जो लास्ट में आएंगे वो इतने सारे लोग होंगे कि बाकी लोग ज्वाइन होने वाले खत्म हो जाएंगे और आप चाहोगे कि उन लोगों को स्कीम में लेके आओ तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि कॉलेज में हर साल लाखों लोग एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया तो क्या कॉलेजेस में आज के टाइम पे एडमिशन आने खत्म हो गए या आने वाले दस साल बाद कॉलेजेस में एडमिशन आने खत्म हो जाएंगे सोचो यार एक बार मतलब ठीक है आप लोगों ने इतनी बड़ी बात को लगे जो लोग एफिलियट मार्केटिंग करते भी हैं उन लोगों ने भी ये चीज सुनी समझी और वो लोग भी ऐसे हो गए कि यार कहीं ये स्कैम तो नहीं है बट आप एक बार सोचो ना एज अ स्टूडेंट आप अभी भी घर वालों पे डिपेंडेंट रहोगे कि एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे जैसा कि सर ने बोला कि आप इंश्योरेंस एजेंट uh, बन जाओ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना शुरू कर दो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी मेरी फैमिली में हम लोग पांच मेंबर्स हैं मेरे पापा ने ऑलरेडी सबकी इंश्योरेंस करवा रखा है पॉलिसी सबकी है हमारे पास तो क्या अगर कोई नया पर्सन मेरे पास आएगा तो क्या हम उसको एंटरटेन करेंगे और आपके घर में अपने पेरेंट्स से या आप भी पेरेंट हो तो आप पूछना जरूर आपको खुद को पता है कि सबने इंश्योरेंस करवा रखे है नए पर्सन को एंटरटेन भी नहीं करेंगे और अगर यहाँ पे 20 लाख लोग काम कर रहे हैं एज एन एफिलियट मार्केटर तो क्या 20 लाख बीस लाख लो, लोगों को इंश्योरेंस की जॉब मिल जाएगी मतलब एक सर ने एक एग्जाम्पल दिया था बट मैं एक चीज आपको बता रही हूँ कि क्या सबको वो नौकरी मिल जाएगी Obviously possible नहीं है, है ना? तो अपनी वीडियो या बुक्स चार सौ रुपए की किताब मिल जाएगी वहां से आपको फ्री में ज्ञान मिल जाएगा बट उस ज्ञान का क्या करेंगे जब उस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली बट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक फिजिकल कोई प्रोडक्ट तो हो वो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है लेकिन एफिलियेट मार्केटिंग में हम आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू और वहां से आपको लोग लाके आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हो एक चीज और की सर ने मेंशन किया था कि यहाँ पे यार कन्विंसिंग वाला चीज है लोगों को कॉल कर करके आप रैंडम कॉल्स करोगे तो क्या लोग फोन उठाएंगे अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो आप खुद से पूछना कभी आपने रैंडमली कॉल किया और किसी को फोर्स किया है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लो एफिलियट मार्केटिंग ही एक ऐसा स्कीम है जिसमें लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं हम फोर्स या कन्विंस नहीं करते अगर आप प्रॉपरली किसी पर्सन को गाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पर्सन आपके पास आएगा आपके साथ ज्वाइन करेगा क्योंकि एफिलियेट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जहां पे आप लोगों को फोर्स या कन्विंस करोगे फोर्स या कन्विंस करने वाला काम नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ करता था यहाँ पे वो काम नहीं होता तो यार अगर इतनी लंबी वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है फ्रॉड है सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा फ्यूचर खत्म हो जाएगा एंड आपका भी अगर कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे तो बता सकते हो बट अगर अभी भी आपको लगता है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है स्कैम है तो आप अभी इस चीज को छोड़ सकते हो बट छोड़ने से पहले खुद से पूछना कि यार अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप हाउसवाइफ हो आपकी सैलरी कम है इसके बाद क्या करोगे वट नेक्स्ट मतलब एज अ स्टूडेंट आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो तो आपके पास क्या और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास जॉब है क्या नौकरी है क्या कोई आपको सैलरी देगा आप हाउस वाइफ हो आप आप घर में बच्चे पाल रहे हो आप अपनी फैमिली की वजह से बाहर नहीं जा रहे नौकरी करने तो क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो आप कर सकते हो क्या आपकी सैलरी बहुत कम है तो यार ये क्वेश्चंस ना आप खुद से पूछना फिर भी आपको लगता है एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है तो ऑब्वियसली आप इस चीज को छोड़ सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि यार स्कैम है